हे गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। और आज है नया दिन और नया व्लॉग, और हम लोग जा रहे हैं नई जगह पे। तो आज हम लोग जा रहे हैं गुजरात, एक हिल स्टेशन पे। तो आप लोग आगे देखते रहिए, आप लोगों को पता चल जाएगा हम कहाँ जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा हिल स्टेशन है, तो काफ़ी अच्छा मौसम हो ही है, तो हम लोग निकल रहे हैं। और आपको मिला देता हूँ मैं किस किस के जा रहा हूँ। तो सब घर के ही आज, तो ये आकाश इसके जा रहा हूँ, ये काजल और ये मेरी वाइफ प्रेरणा, और हम लोग जा रहे हैं। मम्मी गाड़ी में बैठी है, तो अभी जल्दी निकलते हैं और आप लोगों को बाकी रास्ते में मिलते हैं, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लेट हो गए, 1 बज रहे, ठीक है? तो चलते हैं और आपको बाकी रास्ते में मिलते हैं। फाइनली अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं, और अभी यहाँ से सापुतारा बस 10 किलोमीटर है। तो दोपहर के 2-2.5 बजे थे, तो सोचा यहाँ पे खाना खा लेते हैं। तो अभी खाना खाएंगे, और आप देख सकते हो मेरे पीछे कैसा मौसम हो गया। यहाँ पे पूरा फॉग हुआ हुआ है, एकदम मस्त वेदर है। और अभी जस्ट खाना खाते हैं। आ गए अपने होटल में वापस। सो जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पीछे काफ़ी मस्त मौसम हुआ है, और हम लोग जैसे ही आए वहाँ से, तो ये हमारा कुछ होटल है ऐसे दिखता है। तो आप देख सकते हो ये है चित्रकूट होटल सापुतारा में, जो कि इसके सामने लेक है, लेकिन यहाँ पे लेक दिख ही नहीं रही होगी क्योंकि पूरा फॉग भरा हुआ है। और ऐसे यहाँ से हम लोग आए, यहाँ हमने कार पार्क कर दी, और यहाँ से ऐसे अंदर आके यहीं रुक गए, और अभी यहाँ पे रुक गए क्योंकि यहाँ पे मस्त मौसम हुआ है। यहाँ पे चाय वाय मंगा ली हमने, तो सब लोग मज़े कर रहे हैं। आकाश तो यहाँ से हिट ही नहीं रहा मेरा भाई, और यहाँ पे चाय वाय मंगा ली हमने, और अभी ब्रेड बटर मंगाया जब तक वो आ रहा है, और यहाँ पे सब फोटोशूट चल रहा था। और बाकी आपको यहाँ पे स्विमिंग पूल भी दिखा देता हूँ, और स्विमिंग पूल तो बंद है, नीचे नहीं जा सकते अगर गए होते तो, काफ़ी मस्त शॉट्स आते। तो ये यहाँ से जाने का रास्ता है स्विमिंग पूल का, और काफ़ी मस्त है स्विमिंग पूल भी व्यू। और आप देख लो यहाँ पे सामने पूरा लेक था, तो लेकिन लेक पे जा नहीं सकते अभी, पूरा यहाँ पे फॉग हुआ हुआ है, और अभी जाके कुछ फ़ायदा नहीं। बोटिंग इस तरह से कुछ होटल है, तो काफ़ी अच्छा होटल है, लाइक अराउंड 3000 का कुछ रूम है यहाँ पे। और ये होटल पे आने का रीज़न यही है क्योंकि मॉम का और डैड का यहाँ पे, वो लोग अपनी एनिवर्सरी पे आए थे बहुत साल पहले, जब मैं जस्ट 2-3 साल का था, तो इसलिए यही होटल पे आए। तो मम्मी को यही होटल पे आना था, तो इसलिए हमने यही वाला होटल किया। डैडी नहीं आ पाए क्योंकि डैडी को कुछ काम से बाहर जाना पड़ा, तो इसलिए डैडी नहीं आए, तो हम लोग ही आए। तो ये कुछ इस तरह का होटल है, काफ़ी मस्त एकदम। तो अभी चलते और बाकी आपको रूम भी दिखाते हैं, अभी रूम टूर भी दे देता हूँ छोटा सा। तो रूम दे देंगे आपको टूर, बाकी वाईफाई वाईफाई सब है यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी ऑफिस का कुछ कुछ काम भी कर लूँगा मैं। और बाकी खाना वाना खाने हम लोग थोड़ा दूर जाएंगे, होटल का खाना नहीं खाएंगे, बाहर ढाबे पे काफ़ी अच्छा होटल है यहाँ पे, तो वहाँ पे खाएंगे। बाकी आपने देख ही लिया, हम लोग अभी जस्ट आए थे और मैगी अभी खाने निकल गए थे,
तो चलता हूँ आपको बाद में दिखाता हूँ, अभी थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं हम लोग, फिर आपसे मिलते हैं। तो भाई हम लोग यहाँ पे आए थे अभी कुछ कुछ खाने के लिए, तो ये मैगी बनाई है, ये मैं पोई खा रहा हूँ यहाँ पे, और ये बोल रही तो बाकी सीन सी है कि अभी आते हैं कुछ कुछ और फिर बाकी आपको मिलते हैं बाद में। तो अभी यहाँ पे आए थे हम लोग खाने के लिए कुछ कुछ, और आप देख लो यहाँ पे किस तरह मौसम हो रहा है। तो अभी वापस जा रहे हैं, और यहाँ पे मास्क लगाना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे फाइन लग जाता है। और अभी चलते हैं अभी वापस कहीं घूमने और देखते हैं बाकी। सो यहाँ पे आए थे अभी टाइगर पॉइंट पे, और यहाँ पे गाड़ी खड़ी की है, और यहाँ पे ऐसा कुछ मौसम हो गया तो यहाँ पे बस रील्स वील्स निकाल रही है दोनों, यहाँ पे लड़कियाँ पागल हो गई है कुल, इनके रील्स वील्स आ रहे हैं, और बाकी वीडियोस वीडियोस डाल दूंगा। तो अभी यहाँ पे ही हमारा होटल है, यहाँ से जा सकते हैं, दो एंट्रेंस है। तो बाकी अभी चलते हैं और अभी इनके कुछ वीडियोस वीडियोस निकालते हैं, फिर बाकी इनको पूछते हैं कैसा लग रहा है और कैसा लग रहा है इधर। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, आप लोग भी आना जरूर घूमने, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे वाला अच्छा लग रहा है। कैसा कैसे कैसा वाला? ऐसे वाला। पे फुल बारिश हो रही है, चाय वाय पी लिया और ब्रेड बटर खा लिया, अभी इनसे पूछते हैं इनको कैसा लग रहा है। तो काजल, आप लोगों ने काफी रील्स वील्स दी, काफी वीडियोस निकाले दोनों ने, तो कैसा लग रहा है आपको जगह पे आके? आपको फर्स्ट टाइम आना है? चाहती हूँ, हाँ मैं फर्स्ट टाइम, आपको मौसम देख के तो पता ही चल गया होगा कि कैसा लगता होगा सबको अगर यहाँ पर आते होंगे। अगर आपको रेनी सीजन बहुत पसंद है तो डेफिनेटली आपको यहाँ आना चाहिए, और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर क्योंकि ये साथ में भी है और इनके साथ में भी आई हूँ, मतलब हम आए वो आपको खुश नहीं है, मतलब इनके साथ में भी आई हूँ इसीलिए तो बोल रही, और बहुत मजा आ रहा है। और आपको कैसा लग रहा है? आपको पैसे तो नहीं दिए होटल वालों ने ये सब बोलने के लिए? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं दिया है, आपने दिए सर। तो हम लोगों को किसी ने पैसे नहीं दिए ये सब बोलने के लिए, लेकिन काफी अच्छा लग रहा है सच में, काफी मस्त जगह है और काफी अच्छा है, खाना वाना भी सब अच्छा है। हमने यहाँ पे अभी तक एक बार भी नहीं खाया लेकिन लोगों से सुना है काफी अच्छा है, और काफी रूम्स भी आप देखोगे काफी अच्छे अच्छे है सब, तो काफी अच्छा है, काफी फैमिलीज आई है यहाँ पे रुकने के लिए। हे गाइस, सो गुड मॉर्निंग, और आज है डे टू सापुतारा में। सो अभी हम लोग उठ गए सुबह सुबह, रेडी भी हो गए और अभी बस चेकआउट करेंगे। तो अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे पहले, रात को हम लोग बाहर आने के बाद हम लोग होटल में आके खाना वाना खा लिया, बाहर जाने वाले थे खाना खाने पर बारिश बहुत हो रही थी यहाँ पे, तो इसलिए रूम पे ही खाना मंगा लिया, और यहाँ पे अच्छा था यहाँ का होटल का खाना। तो बाकी आपको अभी चलते अभी आपको ब्रेकफास्ट दिखाते हैं, क्योंकि रात को बारिश हो गई थी और हम लोग सब बात बात करने लग गए, तो हम लोगों ने ज़्यादा बातें ज़्यादा ब्लॉग नहीं किया, मैंने उसके बाद कैमरा ही नहीं उठाया। तो ये इस तरह का कुछ रूम था हमारा, तो काफ़ी मस्त रूम था, तो हमने दो रूम लिए थे, एक ये रूम था और एक ये बाजू में एक और रूम था, तो ये इस तरीके से कुछ रूम था हमारा, तो काफ़ी मस्त रूम। और अभी यहाँ से निकलते ये इतनी बड़ी लॉबी थी यहाँ तक, और बाकी ऐसे नीचे का कुछ व्यू है अभी मस्त, अच्छा गार्डन वार्डन है, सामने स्विमिंग पूल था और ये इधर ही सामने लेक है, पर अभी बारिश इतना फॉग इतना है तो लेक भी नहीं दिख रहा है, पूरा लेक व्यू था सामने। और बाकी अभी निकलते हैं, अभी नीचे ब्रेकफास्ट करने जाते हैं और बाकी आप लोगों को नीचे जाके मिलते हैं। सो सबका आ गया ब्रेकफास्ट, इनका मैसूर मसाला डोसा, मम्मी और प्रिया का पनीर पराठा और मेरा पूरी भाजी, तो बाकी अभी ब्रेकफास्ट करते हैं और आप लोगों को थोड़ी देर में मिलते हैं। सो ये भैया आए थे हेल्प करने के लिए, बाकी हाँ बाकी यहाँ पे पूरा कंटिन्यूसली बारिश ही हो रही है, तो ड्रोन शॉट लेने नहीं हुआ यार, और बाकी अभी चलते हैं अभी गाड़ी में फटाफट, बारिश जोर से चालू हो गई। 1 2 3 ओ आ जाओ साइड में। सो गाइज अभी हम लोग यहाँ पे रुके थे जस्ट फोटोज और वीडियोज और रील्स वील्स निकालने के लिए, तो अभी आ गए बाहर सापुतारा के, और ये बॉर्डर है जस्ट यहाँ से, अभी महाराष्ट्र शुरू हो जाएगा,
तो इतने ही रखते हैं वीडियो को, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाए क्योंकि आपने देख लिया ऑब्वियसली क्लाइमेट पूरा फॉगी था और बारिश होती रही तो ज़्यादा घूम नहीं पाए, पर मैं आई बटन में वीडियो दे दूंगा, आप देख लेना। मतलब वो पूरा सापूतारा का ही है जब मैं पिछले साल आया था, जब पूरा इतना फॉगी नहीं था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो व्हाट सो ओवर रीज़न, अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना यार, शेयर कर देना, नीचे कॉमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, मैं ऐसे ट्रैवल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। बाकी ये सब भी थे, तो मिलते हैं आपको और किसी वीडियो में। टिल देन दिस इज बाइकर अमन साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय, चीयर्स। Hey, feel I'm in a mood for a switcher. I hit the function, hit the rose light till I hiccup. I hit the stage and leave with money that's a sticker. She picture perfect, so I told him I'm a flicker.